नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। यूक्रेन में फंसे शिवहर के छात्राओं को वापस लाने को लेकर शिवहर डीएम एक्टिव नजर आ रहे हैं। दरअसल मामला शिवहर की शिवांगी रंजना ने अपने ब्लॉग पोस्ट पर एक वीडियो जारी कर भारत के मेडिकल छात्र छात्राओं के यूक्रेन में फंसे होने का ताज़ा मामला शेयर की थी। उसके बाद शिवहर डीएम सज्जन राजशेखर ने बैरिया गांव पहुंचकर छात्रा शिवांगी रंजना के घर उनके परिजनों से मिले और शिवांगी के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। इतना ही नहीं, डीएम साहब ने शिवांगी से फोन पर बातचीत भी की और महत्वपूर्ण जानकारियां भी साझा की। इस मौके पर वीडियो आशीष कुमार भी मौजूद रहे। शिवहर ब्यूरो अरुण कुमार शाह की रिपोर्ट। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है उस बॉर्डर का, लाइक वेस्ट एरिया है वो, तो वहाँ के लोगों के लिए इवैक्यूएशन शुरू किया गया। मैं उम्मीद करती हूँ जल्दी जल्दी आप लोग हमें भी खारकीब से वहाँ तक पहुँचाएंगे, क्योंकि हम खुद ही नहीं जा सकते, बहुत दूर है। लाइक 1500 to 1700 किलोमीटर्स डिस्टेंस है, जो कि हम भी ट्रैवल नहीं कर सकते, कोई सेफ्टी नहीं है। मे बी रास्ते में मिसाइल या ब्लास्ट कुछ हो जाए, तो ऐसा होगा कि अगर इंडियन गवर्नमेंट, हमारे मोदी जी जो हैं, पुतिन जो कि रूस के गवर्नमेंट है, उनसे बातें करें और कुछ टाइम के लिए ब्लास्टिंग वगैरह रोक दे, ताकि हम लोग सेफली इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक यूक्रेन में ट्रेवल करके जा सके, ईस्ट से वेस्ट में, और हम सेफ रहें और इंडिया पहुंच जाए, क्योंकि इंडिया और रशिया का बहुत ही अच्छा फ्रेंडशिप है, तो हम लोगों को सेफली यहाँ से निकाला जाए, मैं यही उम्मीद करती हूँ।